हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व क्लास 8 एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। फर्स्ट है 20। तो स्टूडेंट्स, हमें -3/5 को ऐसे इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि उसका डिनोमिनेटर जो है 20 हो। तो हमें -3/5 हमें डिनोमिनेटर को 20 करना है। सो हम इफ़ हम 5 × 4 लिखते हैं तो ये 20 हो जाएगा डिनोमिनेटर। हमने 4 से मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में, सो हम न्यूमरेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। -3 × 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -12/20। नेक्स्ट है -30। अब हमें डिनोमिनेटर को -30 करना है, तो ये -3/5 इज इक्वल टू, अब हम डिनोमिनेटर को -30 करना है तो हम क्या करेंगे, 5 × अगर -6 से मल्टीप्लाई कर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। प्लस सिंबल 5 का और इसका माइनस सिंबल माइनस में हो जाएगा और 6 × 5 = 30, -30 हो जाएगा। उसी तरह से हम नंबरेटर में भी -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबरेटर हमारा है -3 × ये हो जाएगा -6, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 18/-30। अब नेक्स्ट है 35। तो हमें नंबरेटर -3/5 इज इक्वल टू, इसमें हमें 35 डिनोमिनेटर को करना है। सो हम 5 में इफ हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 हो जाएगा। देन हम ऊपर भी डिनोमिनेटर से भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस सिंबल और ये 21, 7 × 3 = 21/35 हो जाएगा। माइनस हमें डिनोमिनेटर को -40 करना है तो ये -3/5 इज इक्वल टू, हम अगर यहाँ पर -3/5 को अगर हम -8 से मल्टीप्लाई करें तो ये -40 हो जाएगा। देन हम न्यूमरेटर से भी -8 को मल्टीप्लाई करेंगे सो ये हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस सिंबल हो जाता है, 8 × 3 = 24 / -40। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।